ओम रभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। आज का राशिफल, आज चौबीस मई 2024 क्या दिन है? 24 और 24 प्रतिपदा शुक्रवार, ज्येष्ठ कृष्ण। कैसा रहेगा आज का दिन? सबसे पहले आज का हमारा नंबर पासागुटी का 3 और ये स्वाभाविक शुभता लिए हुए है गुरु बृहस्पति। अगर अंक में देखें तो ले और 3 को विकट नंबर भी कहा गया। हम लोग काउड़िया में बोलते हैं 3 कट कट विकट। सो 3 कट कट महाविपद, 3 कट कट महासंकट ऐसा बताया जाता है। लेकिन अंक ज्योतिष में तो गुरु का भी है, तो दोनों स्थिति को यहां पर आज का दिन समझाया जा सकता है। पास कार्ड क्या कह रहा है आज का हमारा नंबर? तो लाल पान बादशाह किंग, और इसका जो कार्ड तत्व में अगर लाल पान में किंग निकलता है तो यहां राजा सम्मानजनक व्यक्ति से मुलाकात या सम्मानप्रद दिन, बहुत रिच रहने वाला 24/4/2/6 तारीख। तो तारीख फल के अनुसार 6 शुक्र का दिन यहां थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो जो भी व्यक्ति 6/15/24 को जन्म है उनके लिए सुइटेबल मस्त, और ऐसा डेज को, ऐसे तारीख को एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती का डेट कहा जाता है, बढ़िया रहता है। और इस 6 का एनिमी नंबर 1, तो जिनका जन्म 1/10/1928 का जन्म हुआ है उनके लिए ये थोड़ा सा सुइटेबल एंड सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। ज्यादा डिटेल करने का आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ा सुखद आनंद और अच्छा मुहूर्त का बन रहा है। अब आज हमारे टारो क्या बोल रहा है, तो एक कार्ड हम लोग लेके देख सकते हैं भाई। अब हमारे हिंदू शास्त्र के मत में पेचक निकला तो लक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन पेचक अगर तलवार पकड़ के रखा है सो ये टारो में एक डॉटर्स ऑफ सोर्ड, एक सन सोर्ड, एक फादर ऑफ सोर्ड, उसमें से ये द डॉटर ऑफ सोर्ड इज ए यंग वुमेन हु हनेस्टी, यहां फ्रेंकनेस एंड ट्रू वैल्यू, और शी लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो एक बड़ा ज्ञान और शिक्षा का दिन रहेगा। ये अपने को बर्डन नहीं समझना और सीखने का प्रयास का दिन, ये हमारा टारो कह रहा है। शॉर्ट में ही चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं वास्तुफल। सो आज का दिन का अगर वास्तु एनर्जी को हम लोग देखते हैं तो स्वाभाविक बात है यहाँ सूर्य भगवान का स्थिति और वास्तु पुरुष का मुख, यानी जैसे कि आप जानते हो वैशाख्य में पश्चिम में सर, उत्तर में दृष्टि, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण में उत्तर में सर और पूर्व में दृष्टि और दक्षिण में पैर। इस कंडीशन में जिनका भी घर यहाँ पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम और उत्तर जिनका है और वास्तु अनबैलेंस है तो इनको प्रॉब्लमेबल फैक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा सा अशांति, थोड़ा सा झगड़ा टाइप टेंडेंसी, तान मान खार खींच हो सकता है, और बैलेंस है तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। इस समय अगर आपके पश्चिम वेस्ट साइड का तरफ देखें तो इस समय कोई खास प्लैनेट नहीं है, ले दे के केतु पड़ा हुआ है यहाँ पर,
और ईस्ट के ऊपर, ईस्ट साइड में सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। सो अप टू यहाँ से मेष राशि और वृष राशि के और मीन के ऊपर ही, और उत्तर में अगर उत्तर पूर्व के ऊपर देखें तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ तो शनि महाराज विराज किए हैं। इसको अगर दोनों वास्तु को और हमारे ग्रह चक्र को मिला देते हैं तो इस कंडीशन पे शनि बाबा जी इधर बैठे हैं, उधर तो प्रॉब्लम होना ही स्वाभाविक बात है। यहाँ तो कोई स्मूथ एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, स्वग्रही है, इस क्षेत्र में उतना ज्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं दिखाई देगा। यानी जिनका भी घर का डायरेक्शन यहाँ है तो आपका काम में थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दे। तो चलिए अंक के बाद बार और तिथि फल पे चलते हैं। बार शुक्रवार, और शुक्रवार वृश्चिक के लिए घात बार बनता है, धनु के लिए घात बार बनता है और मीन के लिए घात बार बनता है। इनको थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। प्लस प्रतिपदा हो गया तो वृश्चिक के लिए यहाँ घात तिथि घात बार दोनों एक साथ आ रहा है, तो बिछा वाले थोड़ा सावधान रहे। और ये प्रतिपदा तिथि जो मेष के लिए घात तिथि बनता है तो उतना ज्यादा, लेकिन घात तिथि और घात बार एक साथ जुड़े तो इनको सावधान रहना चाहिए। अच्छा तो बाकी लोगों के लिए बेसिक रहता है, लेकिन घात को ही समझना, और बाकी सब बोलने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसके लिए शुभ बार है, शुभ तिथि है, आज का शुभ रंग आपके लिए क्या होगा, तो इस कंडीशन में सभी राशि वालों के लिए बोलना मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आज अगर देखें तो मेष राशि के लिए शुभ संख्या आज का 1689 होगा, और शुभ रंग आज के हिसाब में नील और सफेद आज आपके लिए हो सकता है। ये सब ये नौटंकी लंबा हो जाएगा, यार छोड़ो, आगे चलते हैं हम लोग। तिथि प्रतिपदा योग शिव करण वालव और नक्षत्र अनुराधा 10:10 AM तक चेंज हो रहा है, फिर ज्येष्ठा में चलेगा। पक्ष कृष्ण 12 शुक्रवार सूर्योदय 5:25 सूर्यास्त 7:10 चंद्रोदय 8:14 PM चंद्रास्त 5:33 AM ऋतु ग्रीष्म चंद्र राशि वृश्चिक शक संवत 1946 कलि संवत 5126 विक्रम संवत 2081 दिन मान 13 घंटा 44 मिनट 39 सेकंड अभिजीत 11:50 से 12:45 PM तक राहुकाल 10:34 AM से 12:18 PM तक। और आज का चंद्र बल वृषभ मिथुन कन्या वृश्चिक मकर कुंभ में रहने वाला है नक्षत्र बल अश्विनी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा मघा उत्तर फाल्गुनिश्चित्रा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती में रहेगा। दिन का शुक्रवार और वृष लग्न उदय अस्त में शुक्र का हो रहा टॉप गुड बैलेंस स्मूथ होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण शुक्र ही डैमेज है। ये जो शुक्रवार है देवर्षि नारद जयंती है, आज नारद भक्ति सूत्र का पाठ शुरू कर सकते हैं। प्रचंड पुस्तक है, अगर नारद भक्ति सूत्र जीवन में नहीं है ये जन्म बेकार है। चलिए, हम लोग नारद को केवल झगड़ा के लिए जानते हैं, लेकिन भक्ति सूत्र नारद का एक बार अध्ययन करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का महापुण्य प्राप्त हो जाता है, और भक्ति के बारे में ऐसा ज्ञान मिलता है कि क्या बताऊं। कभी मौका मिले तो भक्ति सूत्र के ऊपर हम लोग पाठ करेंगे, बहुत अच्छा पुस्तक है, मंगाएं, रखें, अध्ययन करें। चलिए आगे चलते हैं। और आज का वृष लग्न तुला के लिए अष्टम और मिथुन के लिए द्वादश रहेगा, 6:43 उसके बाद मिथुन लग्न 8:55 बुध चंद्रमा का हो रहा रहेगा, यहां भी स्मूथ वाम स्वर अच्छा रहेगा, बोलने का कोई खास आवश्यकता नहीं। ये वृश्चिक के लिए अष्टम और कर्क के लिए द्वादश। आगे देखते हैं कर्क लग्न 11:09 तक, और इस समय शनि और बृहस्पति का हो रहा रहेगा। एक तरफ जहां स्लो डाउन रहेगा और दूसरे तरफ हाई ग्रोथ एनर्जी रहेगा, यहां भी बाएं दक्षिण स्वर का समन्वय रहने वाला, अच्छा कहूंगा। ये धनु के लिए अष्टम, सिंह के लिए द्वादश, इनको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना है। सिंह लग्न उदय अस्त 1:18 तक,
और इस समय मंगल और सूर्य का दक्षिण स्वर, दायना स्वर, क्रोध और ऊर्जा लिए हुए यही टाइम रहता है जब ब्रेकडाउन, शटडाउन, झगड़ा, झंझट, झमेला होता है। इसमें थोड़ा सावधानी रहना चाहिए, अहंकार से बचें। इसके साथ अगर राहु काल जब कंसाइड कर जाए और ऐसा एनर्जी हो तो देखना पक्का घर में कई सारे लोगों का झगड़ा होता है। इस समय यही कोशिश करें कि आप किचन में ही खाएं, ना कि आप बेडरूम या डाइनिंग में खाएं। अकेले खाना इस समय ऐसे कंडीशन में जरूरी रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। सिंह लग्न 1:18 तक, और ये तो बता दिया अभी। उसके बाद ये सिंह लग्न मकर के लिए अष्टम, कन्या के लिए द्वादश। कन्या 3:26, इस समय शुक्र और बुध का औरा रहेगा, डाउन एनर्जी चलेगा, बांह से और चलने वाला रहना चाहिए। स्मूथ रहने के बावजूद भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड हाफ में काम हो जाएगा, इसका लास्ट लग्न काम हो जाएगा। वृश्चिक 7:55 तक, और ये 7:55 तक का जो टाइम में शनि और बृहस्पति का हो रहा फिर से क्रॉस करेगा, अगेंस्ट एनर्जी रहेगा, ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। शुक्रवार 24 तारीख, पुष्कर दोष, मृत्यु व्यक्ति 1 पाद, रजस चक्र कन्या पुत्रिणी, उत्तम संतान प्राप्ति। और मीन राशि, धनु राशि, बिछिया के वृश्चिक के लिए घात बार रहेगा, इनको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी के साथ चलना चाहिए। पेठा भोजन निषेध रहेगा। तो ये था आज के बेसिक पंचांग। आगे हम लोग बात करते हैं आज का राशिफल। जैसे कि आप जानते हो, आज अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि। अनुराधा नक्षत्र आज आध्यात्मिक विकास, ऑकल्ट में डेवलपमेंट रुचि, और निष्ठावान पूर्ण कार्य करने का मानसिकता, और भिन्न प्रकार के नए विचार इस समय उदय होना, और ज्योतिष, ऑकल्ट इत्यादि प्रैक्टिशनर के लिए लाभदायक, सम्मान प्राप्ति में इच्छा, और कहीं ना कहीं से माता पिता के साथ थोड़ा अनबन और पितृ सुख में कमी। कलाकार लोगों के लिए, जो भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए उत्तम रहने वाला है। पढ़ाई इत्यादि में मन रुचि लगने वाला एनर्जी के साथ सत्संग, आध्यात्मिक उन्नति वाला। इस नक्षत्र में आगे 10 बजे चेंज हो जाएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में चलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसीपन, अस्वस्थता और इच्छा शक्ति में कमी, और कहीं ना कहीं एक फायरी एनर्जी दिखाई दे सकता है, काम डाउन होना, कार्य में हानि और कार्य में बाधा और विरोध दिखाई देना 10 बजे के बाद दोनों एनर्जी के साथ। तो आज का हम लोग अनुराधा और ज्येष्ठा को अगर देखते हैं, तो अनुराधा सुख भोग, मस्ती, रोमांस, नया वस्त्र पहनना, लिखन इत्यादि के लिए काम में आने वाला। और ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, यहाँ पर गाड़ी खरीदना, खेती, लंबा यात्रा, टूर एंड ट्रेवल्स, ये नक्षत्र कर्म है, इस नक्षत्र में कर सकते हैं। बार बार बोला हूं, जिस दिन तोड़ फोड़ का नक्षत्र रहता है, आप कोई वास्तु करेक्शन तोड़ रहे हो, इजीली टूट जाएगा। जिस दिन कंस्ट्रक्शन का नक्षत्र हो और उस दिन आप कोई चीज तोड़ने का कोशिश करो, एक हामर के जगह में 10 हामर मारो तो भी नहीं टूटता है, अनुभव करके देख लेना एक बार। जिस दिन मैं बताता हूं तोड़ फोड़ है, बढ़िया टूटता है। चलिए मेष राशि, अष्टम चंद्रमा, आज भी कार्य में बाधा, मानसिक तनाव, एनर्जी 17-18%। वृषभ राशि के लिए देखते हैं सप्तम चंद्रमा, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती 70% से 80% एनर्जी गुड है। मिथुन के लिए अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर छठा चंद्रमा आरोग्य, सफलता, बल, बुद्धि, पुष्टि वर्धदायक रहेगा। कर्क के लिए ढैया के समय पंचम चंद्रमा विवेकहीनता, एनर्जी में कमी, यहाँ पर 27% का एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह के लिए चतुर्थ चंद्रमा भय, फियर, फोबिया, और कहीं ना कहीं एनर्जी 12-18 तक दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया यहाँ नहीं कहूंगा। कन्या के लिए बात करें, तृतीय चंद्रमा सॉलिड, बेस्ट, गुड, टॉप, गो 90 तक एनर्जी जा रहा है। तुला के लिए द्वितीय चंद्रमा नॉट गुड, खर्चा में वृद्धि, परिवार में थोड़ा सा तनाव दिख सकता है। वृश्चिक के लिए बात करें, 70% एनर्जी होने के बावजूद पाप ग्रहों का दृष्टि, बहुत ज्यादा सफलता दिखाई नहीं दे रहा है। धनु के लिए बात करते हैं, द्वादश चंद्रमा खर्चा में प्रचंड मात्रा में वृद्धि हो सकता है, सावधानी के साथ, यात्रा इत्यादि में परेशानी, एनर्जी यहाँ भी डाउन चल रहा है। मकरू का लाभ चंद्रमा 70 से 80-90 तक जाने वाला है, ढेर सारे क्षेत्र में सफलता, रुका हुआ पैसा और धन का प्राप्ति, और बढ़िया है।
कुंभ के लिए दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता, लेकिन ऐसे चंद्रमा कभी कभार नौकरी खा भी जाता है और ट्रांसफर भी करा देता है और बैड न्यूज भी देता है सफलता होने के बावजूद भी। मीन के लिए राहत भरा नवम चंद्रमा चलेबुल रहने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अष्टम से नवम, नवम से दशम की ओर जा रहा है, एक स्मूथ स्थिति यहां पर कह सकते हैं। तो मेष के लिए ज्यादातर अष्टम है। अनुराधा और ज्येष्ठा, एक बोलूंगा दो समझिएगा। जो राशिफल भी मैं बोला ये भी यहां पर वेरिएशन एंड चेंजेस होगा। 10-11 बजे के बाद जो थोड़ा सा नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो जैसे बताता हूं। अश्विनी मेष मगा सिंह मूल धनु, तो आपके लिए मित्र जोन पे रहेगा और अति मित्र जोन पे अच्छा है। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु, आपके लिए जन संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा पे सावधान रहो और फिर उसके बाद मित्र तारा आ जाएगा, बढ़िया है। कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर, आपके लिए जन संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकर, जन संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुल्या धनिष्ठा मकर कुंभ, आपके लिए जन संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। आद्रा मिथुन स्वाति तुल्या शतभिषा कुंभ, आपके लिए जन संपत्ति विपद क्षमा, फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड। पुनर्वसु मिथुन का विशाखा तुला वृश्चिक प्रभात कुंभ में संपद विपद, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। पुष्याकर कुंडा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन जन्म संपद दोनों ठीक है। अश्लेषाकर ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन बढ़िया है। तो ये था डिटेल स्थिति। ग्रह स्थिति के अनुसार लग्न उदय वृष राशि का, चंद्रमा यहां से वृश्चिक का, दोनों को अगर देखें आज का दिन का स्वास्थ्य स्थिति बढ़िया, मानसिक स्थिति तो बढ़िया नहीं रहेगा, फिजिकल कंडीशन भी यहां पर बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति अगर देखते हैं लग्न और चंद्रमा की स्थिति से, तो यहां इसका अधिपति छटा यानी स्ट्रगल करोगे तो पैसा मिलेगा, और यहां का अगर आर्थिक स्थिति देखोगे तो यहां से एकादश द्वादश का गोचर है, कोशिश करोगे तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। और आज का अगर पराक्रम और एनर्जी को देखते हैं तो यहां कहीं ना कहीं से टॉप गुड बेस्ट चलेबल कंडीशन में है। आज का सुख को अगर देखते हैं तो यहां एक प्रकार का मायूसी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया सुख नहीं कहेंगे, दोनों तरफ से शनि का स्थिति और दृष्टि है, शनि हो तो सुख तो नहीं कह सकते। आज का प्रेम प्यार को देखते हैं तो यहां से एक तरफ राहु एक तरफ केतु एक तरफ अंगारक, तो समझ लो धोखा। आज का दाम्पत्य जीवन का परिस्थिति को देखते हैं तो नॉट गुड नॉट बैड, यहां भी कचरा दिखाई दे रहा है। भाग्य का स्थिति थोड़ा स्मूथ है, कर्म क्षेत्र चलेबुल है, लाभ ये एक कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।